साउथ गेट पे जाना है, उसे चाइनीज में क्या कहते हैं? हैं? पता नहीं यार, जो भी कहते हैं रनमन या क्या कहते हैं। तो बस यहाँ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जिस सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हम क्वारंटीन ऑब्जर्वेशन और आइसोलेशन से हो जाएंगे टोटली फ्री, और अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बस लगेज वगैरह हमने पैक कर लिया है, अभी बस हम निकलते हैं थोड़ी देर तक, और इसी नोट पे शुरू करता हूँ मैं आज का व्लॉग। सो लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो यार फाइनली अब बस नाश्ता वगैरह करते हैं और उसके बाद ना फिर निकलने का कोई सीन बनाते हैं। और ये है कि यार आज तो हमने काम भी बहुत ज़्यादा करने हैं, तो उसके लिए नाश्ता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक और बात ये है कि यार आज ना हम कोई, मेरा ख्याल 18 दिन बाद फ्रीली मूव कर सकेंगे। पहले तो हम छुप छुपा के निकलते थे कि यार किसी को पता ना चल जाए, लेकिन आज फाइनली ये है कि यार आज ना हम फ्रीली मूव कर सकेंगे, हमें कोई रोक टोक नहीं होगी। और ये है कि यार 18 दिन ना अंदर रह रह के बस होगी, अब तो यार खुले माहौल में फिरेंगे और अय्याशी करेंगे। तो बस नाश्ता करते हैं और बाकी सबका वेट करते हैं। सो फाइनली यार अब हम सामान की शिफ्टिंग करने लगे, नीचे लॉबी में लेके जाना है और उसके बाद फिर आगे लेके जाएंगे। तो बस यही हमारी मजदूरी शुरू होने लगी है। और लेकिन ये है कि हमारी ये जो मजदूरी है इसकी हमें कोई उजरत वगैरह नहीं मिलनी। तो अभी तो वहाँ डॉर्मेट्री में भी लेके जाना है, वहाँ पता नहीं हमारा किस फ्लोर पर होगा, तो वो भी बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस शुरू करते हैं मेहनत करना जब तक हम डोर में नहीं जाते। सो यार सारा सामान हम लॉबी में ले आए हैं, ये हमारे बिल्स पर हैं, सिग्नेचर वगैरह हो गए। अब बस जो बाकी थोड़ा वो सामान रह गया है वो उसकी शिफ्टिंग कर रहे हैं इधर लॉबी में। तो जैसे ही सारा सामान लेके आते हैं तो उसके बाद फिर जो है निकलते हैं और प्लान बनाते हैं कि हमने जाना किस तरफ है। हमें ना शटल सर्विस मिल गई थी और इस वजह से ना ज़रा हमें आसरा हो गया कि हमारा सामान वगैरह जो है वो आराम से जा रहा है, वरना तो भाई हालात ख़राब हो जाने थे, है ना। हमने इन्हें आके ना फैमिली रूम की बात की थी, तो इन्होंने हमें कीज़ दी हैं कि आप देख लो जाके, अगर आपको पसंद आता है तो आप फैमिली रूम ले लो, वरना फिर सेपरेट रूम। तो बस अभी जाते हैं और देखते हैं के अंदर का माहौल, देखते हैं रूम का कि क्या हिसाब किताब है। ये किचन, किचन अच्छा, वॉशरूम, ये दो बेड हैं सेपरेट, ठीक है। मतलब क्योंकि अब वो मैंने सिंगल देखे। एंड द अपडेट इज वो हमारा रूम है और वी हैव लव्ड इट। और अब बस हम नीचे जाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अपना सामान वगैरह यहाँ लोड करते हैं अपने रूम में। अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और जो हमारे बाकी काम हैं जितने भी हैं वो 3 बजे के बाद ही होंगे। तो अभी ना हम बस सबके रूम्स देखते फिर रहे हैं किस किस का ज़्यादा अच्छा और किस किस के पास क्या एक्स्ट्रा चीज़ें, तो बस देख रहे हैं क्या क्या है। 345 और ये है अख्तर अली का रूम। वाओ यार ये ज्यादा खुला है यार, लेवल है यार, ये ज्यादा लेवल है यार भाई, खरीदी है। तो यार फाइनली रूम में आ गए, सामान वगैरह रख लिया, लेकिन एक मसला ये है कि जो हमारे रूम की इलेक्ट्रिसिटी है ना वो नहीं है। गार्ड में अभी हमें इलेक्ट्रिसिटी भरवानी पड़ेगी, मतलब यहाँ से बैंक जाना पड़ेगा, वहाँ से हम, मेरा ख्याल है 150 या 200 युआन की इलेक्ट्रिसिटी डलवाएंगे कार्ड में, और फिर जो है ये लाइट्स वगैरह जलेंगी। और यहाँ ये भी सिस्टम है, पानी का भी अलग से है क्या मीटर वगैरह, तो भाई सारा कुछ करवाना पड़ेगा। और अभी तो खाने पीने का भी कोई सार लगाना पड़ेगा, बाहर से ही अभी तो करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारे पास प्रॉपर सामान भी नहीं है।
अभी सारी सेटिंग्स वगैरह करते हैं, उसके बाद फिर कोई हिसाब किताब लगाएंगे। और अभी तो मेरा ख्याल है 2-3 दिन लग जाएंगे हमें सेट होने में। और अभी बस ये है कि 3 बजे तक ना हमने यहाँ से निकलना है, एक फॉर्म लेना है हॉस्टल से ही, और फिर वो लेके जाना है हमने पुलिस स्टेशन, वहाँ वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है। तो वो देखेंगे कितने बजे तक होती है और क्या हिसाब किताब होता है। सो फाइनली यार 3 बज गए, अब बस हम जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाते हैं और उसके बाद जाते हैं पुलिस स्टेशन, वहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह और जो वेरिफिकेशन वगैरह होनी है वो करवाते हैं, और फिर देखते हैं उसमें कितना टाइम लगता है। और फिर आगे अगर टाइम बचा हमारे पास तो फिर आगे हम बैंक भी चले जाएंगे, वहाँ से रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या बनता है। अब बस अब आगे हमने जाना है पुलिस स्टेशन, वहाँ से वेरिफिकेशन करवानी है। तो जाना क्या है हमने, कौन से गेट पे? साउथ गेट पे जाना है। उसे चाइनीज में क्या कहते हैं, हैं? पता नहीं यार, जो भी कहते हैं रनमन या क्या कहते हैं। तो बस यहाँ से, हाँ तो बस जो है वो यहाँ से हम इनकी शटल पकड़ते हैं और फिर साउथ या जिस भी गेट पे जाने वहां जाते हैं और जाके वेरिफिकेशन करवाते हैं। तो यार मुझे नहीं लग रहा कि जो है हमारा शटल वाला सीन वहाँ ऑन होगा, क्योंकि ना जिस दोस्त के साथ हम जा रहे हैं वो हमें पैदल ही चलवा रहा है। वो पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारा चलवा चलवा के ना स्टेमिना बूस्टअप करवाना चाह रहा है, क्योंकि वो आया हुआ है हमारे से महीना पहले आ गया था। तो इस वजह से ना हमने उसे अपना मेंटोर बनाया हुआ है कि हम उसके फुट स्टेप्स पे ना चलेंगे, और वही हमें उधर पुलिस स्टेशन लेके जा रहा है। तो भाई अब मुझे ये नहीं पता कि और कितना चलना पड़ेगा, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। तो जी फाइनली हम पुलिस स्टेशन पहुँच गए हैं, अब बस यहाँ अपने काम वगैरह करवा रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हमारा जो यहाँ से काम है ना वो वाइंड अप हो। उसके बाद हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी कार्ड, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी डलवानी है और उसका भी अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा। तो बस जाते हैं, अभी रेडी ना सिर्फ 5 हो गए, तो 6 बजे तक ऑफिस खुलें। तो बस जाते हैं और ना कोशिश करते हैं कि आज आज में ही ना जो इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी डल जाए। तो वो देखते हैं अब क्या बनता है यार। तो जी फाइनली हमारा काम वगैरह हो गया, लेकिन बारिश बहुत हो रही है। अब बारिश में हमने निकलना है और एडवेंचर करना है। तो यार अभी हमें एक शॉप मिली है, यहाँ से हम अम्ब्रेलास लेते हैं, क्योंकि यार यहाँ का मौसम ऐसा है कि हर वक्त ही बारिश होती रहती है, कोई पता नहीं चलता कब बारिश हो जाती है। तो इस वजह से ना अम्ब्रेला बहुत ज़रूरी है। तो बस पता करते हैं अम्ब्रेला का और फिर लेके चलते हैं अपने रूम्स में। फाइनली वी हैव गॉट आवर अम्ब्रेलास। अब बस अगर बारिश भी होगी तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी, हमारे पास अम्ब्रेला होगी और अम्ब्रेला लगा के हम आराम से चले जाएंगे। हम हॉस्टल पहुंच गए और अब ना शाम होगी, और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसका अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक दोस्त गया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का कार्ड रिचार्ज करवाने, तो अब देखते हैं वो कब तक आता है और कब तक हमारे रूम में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो भाई अब क्या हुआ, चलो यार देखते हैं क्या बनता है। हाँ जी हुई या कोई नहीं हुआ? नहीं यार वो मसला ये कि वो बन गया अभी, बंद हो गया। वाह यार चलो ठीक है, ओके हो गया। अभी अगर आप पूरा को मसला है ना, तो यार ये सीन ये है कि आज रात जो है ना हमें लाइट के बगैर गुजारनी पड़ेगी, बल्कि आई से हम बात करते हैं कि जी इलेक्ट्रिसिटी है नहीं हमारे रूम में तो कुछ करें उसका। आई बेसिकली ना यहाँ जो होता है ना ज़्यादा एज की आंटी को कहते हैं आई। तो बस उनसे बात करते हैं और फिर देखते हैं यार क्या बनता है।
यार सीन्स कुछ ऐसे हैं कि अब हम खाना खाने जा रहे हैं, यहाँ पास ही ना मुस्लिम कैंटीन है, वहाँ से जाके खाना खाते हैं, उसके बाद फिर वो ये यार अंधेरे में जाके पड़ जाएंगे, सो जाएंगे और यही हो सकता है और कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये जो है रिचार्ज जो है वो कल ही होगा, तो कल तक का वेट करना है हमने और दैट्स इट। हमें ना यहाँ यूनिवर्सिटी में चलाने के लिए साइकिल्स मिल गई हैं, तो अब बस इन पर राइड करते हुए जाते हैं और खाना शाना खाते हैं, और उसके अलावा अगर कुछ हमने और कुछ लेना हुआ तो वो ले लेंगे। और ये एक अच्छी बात है कि एहसन भाई भी हमारे साथ हैं और कैसे भी हमारे साथ हैं, वो बाइक पे हैं और हम इनके पीछे इनके फुट स्टेप्स को फॉलो करते हुए पीछे साइकिल्स पे आएंगे। तो बस इतनी सी बात है, तो बस चलते हैं अब और अयाशी करते हैं। हम अपने डेस्टिनेशन पे आ गए हैं, हम यूनिवर्सिटी से बाहर आए हैं और ये कोई ना मुस्लिम रेस्टोरेंट है, तो बस यहाँ से खाते पीते हैं, अय्याशी करते हैं, उसके बाद फिर अपना रास्ता नापेंगे, जाएंगे अपने रूम में जहाँ बिजली ही नहीं है और अंधेरा एंजॉय करेंगे। खाना शाना डन हो गया और बहुत ही मज़े का खाना था, मज़ा आ गया खा के। तो अब ये है कि अब वापस आते हैं और इसी नोट पे मैं ख़त्म करता हूँ आज का व्लॉग। सो अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।